नर्मदा के तीर्थों का दिग्दर्शन तथा उनका महात्म्य। मोहिनी बोली, द्विज श्रेष्ठ, मैंने सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म्य सुन लिया, अब नर्मदा के तीर्थ समुदाय का वर्णन सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी, मैं नर्मदा के दोनों तटों पर विद्यमान तीर्थों का वर्णन करता हूँ। उत्तर तट पर 11 और दक्षिण तट पर 23 तीर्थ हैं। नर्मदा और समुद्र के संगम को 35वां तीर्थ कहा गया है। ओंकार तीर्थ के दोनों ओर अमरकंटक पर्वत से 2 कोस दूर तक सब दिशाओं में 3.5 करोड़ तीर्थ विद्यमान है। 1 करोड़ तीर्थ तो कपिला संगम में है। अशोक वनिका में 1 लाख तीर्थ प्रतिष्ठित है। अंगारगर्ता के 100 और कुब्जा के 10,000 तीर्थ कहे गए हैं। वायु संगम में सहस्त्र और सरस्वती संगम में 100 तीर्थ स्थित हैं। शुक्ल तीर्थ में 200, विष्णु तीर्थ में 1,000 तीर्थ हैं। माहिष्मति में 1,000 और शूलभेद तीर्थ में 10,000 तीर्थों की स्थिति मानी गई है। देवग्राम में 1,000 और उलुक तीर्थ में 700 तीर्थ हैं। मणि नदी के संगम में 108 तीर्थ हैं। वैद्यनाथ में 108 और घटेश्वर में भी उतने ही तीर्थ हैं। नर्मदा समुद्र संगम में 1.5 लाख तीर्थों का निवास बताया गया है। व्यास द्वीप में 88,100 तीर्थ हैं। करंजा संगम में 10,008 तीर्थ हैं। एरंडी संगम में 108 तीर्थ हैं। दूतपाप तीर्थ में 68 और कोकिल में 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। नरेश्वरी, रोमकेश में 1,000, द्वादशार्क में 1,000 तथा शुक्ल तीर्थ में 8,02,000 तीर्थ हैं। सभी संगमों में 108 तीर्थों की स्थिति मानी गई है। कावेरी संगम या नंद तीर्थ में 500 अवांतर तीर्थ हैं। भृगु क्षेत्र में 1 करोड़ और भारभूति में 108 तीर्थ विद्यमान हैं। अक्रूरेश्वर में 150 और विमलेश्वर में 1 लाख तीर्थ हैं। शुभानने, सूर्य के 10, कपिल के 9, चंद्रमा के 8 और नंदी के 1.08 करोड़ तीर्थ हैं। स्तवकों में 214 तीर्थ हैं। ये सब शैव तीर्थ हैं। वैष्णव तीर्थ 22 हैं। ब्रह्म तीर्थ तो सभी हैं। 28 शाक्त तीर्थ हैं। उनमें भी 7 तीर्थ मातृकाओं के हैं। उनमें से 3 ब्राह्मी के हैं। भद्रे, 2 वैष्णवी और 2 रौद्री तीर्थ हैं। ब्राह्मी और वैष्णवी के सिवा शेष स्थानों में रुद्र शक्ति विद्यमान है। सुमुखी, 1 तीर्थ क्षेत्रपाल का भी बताया गया है। मोहिनी, नर्मदा में गुप्त और प्रकट रूप से बहुत से अवांतर तीर्थ हैं। वायु देवता ने भूतल, अंतरिक्ष और द्यूलोक में जो 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं, वे सब नर्मदा में विद्यमान है। महाभागे, जो मानव इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करता है, वह शुद्ध चित्त होकर उत्तम गति पाता है। नर्मदा के तट पर किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, वेदाध्ययन और पूजन सब अक्षय होता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे नर्मदा के तीर्थ समुदाय का वर्णन किया है। यह स्मरण करने वाले मनुष्यों के भी पातक का निवारण करने वाला है। जो मानव नर्मदा के तीर्थों का यह संग्रह सुन लेता है अथवा पढ़ता या सुनाता है, भद्रे, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। अवंती महाकाल वन के तीर्थों की महिमा। मोहिनी बोली, विप्रवर, आपने नर्मदा का जो महात्म्य बताया है, यह मनुष्यों के पाप का नाश करने वाला है। महाभाग, प्रभो, अब मुझे अवंती तीर्थ का तथा देववंद्य भगवान महाकाल का महात्म्य बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे, सुनो, मैं तुम्हें अवंती का महात्म्य बतलाता हूँ, जो मनुष्यों को पुण्य देने वाला है। महाकाल वन पवित्र एवं परम उत्तम तपोभूमि है। महाकाल वन से दूसरा कोई क्षेत्र इस पृथ्वी पर नहीं है। वहाँ कपालमोचन नामक तीर्थ है, जिसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला मानव रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्ग द्वार में जाकर स्नान और भगवान सदाशिव की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता, वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। राजस्थल में जाकर सामुद्रिक तीर्थ में नहाने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करने का उत्तम फल पाता है। शंकर वापी में नियम पूर्वक स्नान करने वाला मानव इहलोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में रुद्रलोक में जाता है। जो मनुष्य नीर गंगा में नहाकर भक्ति भाव से गंधवती देवी की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
दशाश्वमेधिक तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर मनुष्य देवेश्वरी एकानंशा के समीप जाकर गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करके संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव रुद्र सरोवर में स्नान करके श्रद्धा पूर्वक हनुमत के स्वर का पूजन करता है वह संपूर्ण संपत्तियों को पा लेता है। वाल्मीकेश्वर की पूजा करने से मानव संपूर्ण विद्याओं की निधि होता है। पंचेश्वर की पूजा करने से मानव समस्त सिद्धियों का भागी होता है। कुशस्थली की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंदाकिनी में गोता लगाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। अंकपाद का पूजन करके मनुष्य भगवान शिव का अनुचर होता है। यज्ञवापी में स्नान और मार्कंडेयेश्वर का पूजन करने से संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मनुष्य एक युग तक स्वर्ग में निवास करता है। सती मोहिनी सोमवती अमावस्या को स्नान और सोमेश्वर का पूजन करके मनुष्य इहलोक और परलोक में मनोवांछित भोग पाता है। फिर केदारेश्वर रामेश्वर सौभाग्येश्वर तथा नगरादित्य की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। केशवादित्य की पूजा करने से मानव भगवान केशव का प्रिय होता है। शक्ति भेद तीर्थ में स्नान करके बड़े भयंकर संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य ओंकारेश्वर आदि लिंगों की विधि पूर्वक पूजा करता है वह भगवान महेश्वर के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। देवी महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई नियत संख्या नहीं है। जहाँ कहीं भी विद्यमान शिवलिंग का पूजन करके मनुष्य भगवान शंकर का प्रिय होता है। अवंती के प्रत्येक कल्प में भिन्न भिन्न नाम होते हैं, यथा कनक श्रृंगा, कुशस्थली, अवंतिका, पद्मावती, कुमुदवती, उज्जयिनी, विशाला और अमरावती। जो मनुष्य शिप्रा नदी में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन करता है वह महादेव जी तथा महादेवी की कृपा से संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। जो वामन कुंड में स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के द्वारा संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान श्रीधर अर्थात विष्णु की स्तुति करता है वह इस पृथ्वी पर साक्षात श्रीहरि के समान है। जो देवप्रयाग सरोवर में स्नान करके भगवान माधव की आराधना करता है वह भगवान माधव की भक्ति पाकर विष्णु धाम में जाता है। जो अंतर्ग्रह की यात्रा में विघ्नेश भैरव उमा रुद्रादित्य तथा अन्यान्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक प्राप्त उपचारों से पूजा करता है वह स्वर्ग लोक का भागी होता है। भामिनी रुद्र सरोवर आदि स्थलों में जो अन्य बहुत से तीर्थ हैं उन सब में भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य सुखी होता है। वहाँ के 8 तीर्थों में स्नान करके मानव महाकाल वन की यात्रा का सांगोपांग फल पाता है। इस प्रकार अवंतीपुरी का यह सब महात्म्य तुम्हें बताया गया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मथुरा के भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य। मोहिनी बोली, पुरोहित जी, मैंने अवंती का महात्म्य सुना जो मनुष्यों के पाप दूर करने वाला है। अब मैं मथुरा का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं मथुरा के कल्याणकारी वैभव का वर्णन करता हूँ। जहाँ ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं, वहाँ प्रकट होकर भगवान नंद के गोकुल में गए और वहीं रहकर उन्होंने गोपों के साथ सब लीलाएं की। वनों में तथा मथुरा में जो तीर्थ हैं, उनका तुमसे इस समय वर्णन करता हूँ। सुनो, पहला मधुवन है जहाँ स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दूसरा उत्तम तालवन है जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला मानव कृतकृत्य होता है। तीसरा कुमुदवन है जहाँ स्नान करके मनुष्य मनोवांछित भोगों को पाता है और इहलोक तथा परलोक में आनंदित होता है। चौथे का नाम काम्यवन है, उसमें बहुत से तीर्थ हैं। वहाँ की यात्रा करने वाला पुरुष विष्णु लोक का भागी होता है। भद्रे वहाँ जो विमल कुंड है वह सब तीर्थों में उत्तम से उत्तम है। वहाँ दान करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम पाता है। पांचवा बहुला वन है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। छठा भद्रवन नामक वन है जहाँ स्नान करने वाला मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से सब कल्याण ही कल्याण देखता है। वहाँ सातवां खदीर वन है जिसमें स्नान करने मात्र से
मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। आठवां महावन है, जो भगवान श्री हरि को सदैव प्रिय है। उसका भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य इंद्रलोक में आदर पाता है। नौवां लोहजंग वन है, जहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान महाविष्णु के प्रसाद से भोग और मोक्ष पाता है। दसवां बिल्व वन है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार शिवलोक अथवा विष्णुलोक में जाता है। ग्यारहवां भांडीर वन है, जो योगियों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बारहवां वृंदावन है, जो समस्त पापों का उच्छेद करने वाला है। सती मोहिनी, इस पृथ्वी पर उसके समान दूसरा कोई वन नहीं है। वहाँ स्नान करने वाला मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मथुरा मंडल का विस्तार 20 योजन है। उसमें जहाँ कहीं भी स्नान करने वाला पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति पाता है। उसके मध्य भाग में मथुरा नामक पुरी है, जो सर्वोत्तम पुरियों से भी उत्तम है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य भगवान माधव की भक्ति प्राप्त कर लेता है। नरेश्वरी, वहाँ विश्रांति अर्थात विश्राम घाट नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ रत्न है, जिसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला मानव विष्णु धाम में जाता है। विश्राम घाट से दक्षिण उसके पास ही विमुक्ति नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने पर मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। वहाँ से दक्षिण भाग में राम तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अज्ञान बंधन से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। वहाँ से दक्षिण संसार मोक्षण नामक उत्तम तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। उससे दक्षिण भाग में देव दुर्लभ प्रयाग तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। उसका दक्षिण तिंदुक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने वाला श्रेष्ठ मानव राजसूय यज्ञ का फल पाकर देवलोक में देवता की भांति प्रसन्न रहता है। उससे दक्षिण पटुस्वामी तीर्थ है, जो सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। वहाँ स्नान करके पश्चात सूर्य देव का दर्शन करने से मनुष्य भोग भोगने के पश्चात देवलोक में जाता है। भद्रे, उससे दक्षिण परम उत्तम ध्रुव तीर्थ है, जहाँ स्नान करके ध्रुव का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव तीर्थ से दक्षिण भाग में सप्तर्षि सेवित तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मुनियों का दर्शन करने से मनुष्य ऋषि लोक में आनंद का अनुभव करता है। ऋषि तीर्थ से दक्षिण परम उत्तम मोक्ष तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उससे दक्षिण बोधिनी तीर्थ है, जहाँ स्नान करके पितरों को पिंडदान देने वाला पुरुष उन्हें स्वर्ग लोक में पहुँचा देता है। उससे दक्षिण कोटि तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से मानव सब पापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। विश्राम घाट के उत्तर भाग में असिकुंड तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मनुष्य वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। उससे उत्तर संयमन तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य लोक को यमलोक का दर्शन नहीं होता। उससे उत्तर घंटाभरण नामक ब्रह्मलोक है, जो स्नान करने मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तीर्थ है। उससे उत्तर परम उत्तम सोम तीर्थ है, जहां गोता लगाने वाला श्रेष्ठ मानव पाप रहित हो चंद्रलोक में जाता है। उससे उत्तर प्राची सरस्वती तीर्थ है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य वाणी का अधीश्वर होता है। उससे उत्तर दशाश्वमेध तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य वहाँ गोपर्ण नामक शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाकर अंत में शिवलोक में सम्मानित होता है। उससे उत्तर अनंत तीर्थ है, जहाँ स्नान करने वाला मानव मथुरा के 24 तीर्थों का फल पाता है। महाभागे, मथुरा में साक्षात विष्णु चतुर्व्यूह रूप से विराजमान है, जो मथुरा वासियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। उन चार व्यूहों में पहली वाराह मूर्ति है, दूसरी नारायण मूर्ति है, तीसरी वामन मूर्ति है और चौथी हलधर मूर्ति है। जो मनुष्य चतुर्व्यूह रूपधारी भगवान का दर्शन करके उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रंगेश्वर, भूतेश्वर, महाविद्या तथा भैरव का विधिपूर्वक दर्शन और पूजन करके मनुष्य तीर्थ यात्रा का फल पाता है। चतुस्सामुद्रिक कूप, कुब्जा कूप,
गणेश कूप तथा श्री कृष्ण गंगा में स्नान करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। शुभानने समस्त मथुरा मंडल के अधिपति हैं भगवान केशव, जो संपूर्ण क्लेशों का नाश करने वाले हैं। पवित्र मथुरा मंडल में जिसने भगवान केशव का दर्शन नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ है। मथुरा में और भी असंख्य तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके वहाँ रहने वाले ब्राह्मण पुरोहित को कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वृंदावन क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों के सेवन का महात्म्य। मोहिनी बोली, मथुरा और द्वादश वनों का महात्म्य मैंने सुना, अब कुछ वृंदावन का रहस्य भी बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, देवी मुझसे वृंदावन का रहस्य सुनो। मथुरा मंडल में स्थित श्री वृंदावन जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से परे चिन्मय तुरियांश रूप है। वह गोपी वल्लभ श्याम सुंदर की एकांत लीलाओं का निगुड़ स्थल है, जहाँ सखी स्थल के समीप गिरिराज गोवर्धन शोभा पाता है। वृंदावन वृंदा देवी का तपोवन है। वह नंदगांव से लेकर यमुना के किनारे किनारे दूर तक फैला हुआ है। यमुना के सुरम्य तट पर रमणीय तथा पवित्र वृंदावन सुशोभित है। वृंदावन में भी कुसुम सरोवर परम पुण्यमय स्थल है। उसके मनोहर तट पर वृंदा देवी का अत्यंत सुखदायक आश्रम है, जहां मध्याह्न काल में सखाओं के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण नित्य विश्राम करते हैं। मोहिनी, जहां भगवान ने तुम्हारे पिता को तत्व का साक्षात्कार कराया था, वह पुण्य स्थान वृंदावन में ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य वहां मूल वेश का चिंतन करते हुए स्नान करता है, वह नित्य विहारी श्याम सुंदर के वैभव का कुछ चमत्कार देखता है। जहां श्री कृष्ण का तत्व जानकर इंद्र ने उन गोविंद देव का चिंतन किया था, उस स्थान को गोविंद कुंड कहते हैं। वहां स्नान करके भी मनुष्य गोविंद को पा लेता है। जहां एक होकर भी अनेक रूप धारण करके कुंज विहारी श्याम सुंदर ने गोपांगनाओं के साथ रासलीला की थी, उसका भी वैसा ही महात्म्य है। जहां नंद आदि गोपों ने भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा था, वह यमुना जी के जल में तत्व प्रकाश नामक तीर्थ कहा गया है। वहां गोपों ने कालिया मर्दन की लीला देखी थी, वह भी पुण्य तीर्थ बताया गया है, जो मनुष्यों के पाप का नाश करने वाला है। जहां स्त्री बालक गोधन और बछड़ों सहित गोपों को श्री कृष्ण ने दावानल से मुक्त किया था, वह पुण्य तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े का रूप धारण करने वाले केशी नामक दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला था, वहाँ स्नान करने वाला मानव विष्णु धाम को पाता है। जहाँ भगवान ने दृष्ट वृषभासुर को मारा था, वह पुण्य तीर्थ अरिष्ट कुंड के नाम से विख्यात है, जो स्नान करने मात्र से मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान ने शयन भोजन विचरण श्रवण दर्शन तथा विलक्षण कर्म किया, वह पुण्य क्षेत्र है, जो स्नान मात्र से दिव्य गति प्रदान करने वाला है। जहाँ पुण्यात्मा पुरुषों ने भगवान का श्रवण चिंतन दर्शन नमस्कार अलिंगन स्तवन और प्रार्थना की है, वह भी उत्तम गति देने वाला तीर्थ है। जहाँ श्री राधा ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी, वह श्री राधा कुंड स्नान दान और जप के लिए परम पुण्यमय तीर्थ है। वत्स्य तीर्थ, चंद्र सरोवर, अप्सरा तीर्थ, रुद्र कुंड तथा काम कुंड, ये भगवान श्री हरि के उत्तम निवास स्थान है। विशाला, अलकनंदा, मनोहर कदम्ब खंड, विमल तीर्थ, धर्म कुंड, भोजन स्थल, बलस्थान, बृहत सानु अर्थात बरसाना, संकेत स्थान, नंदीग्राम अर्थात नंदगांव, किशोरी कुंड, कोकिलवन, शेषशायी तीर्थ, क्षीर सागर, क्रीड़ा देश, अक्षयवट, राम कुंड, चीरहरण, भद्रवन, भांडीरवन, बिल्ववन, मानसरोवर, पुष्पपुलीन, भक्त भोजन, अक्रूर घाट, गरुड़ गोविंद तथा बहुलावन, यह सब वृंदावन नामक क्षेत्र है, जो सब ओर से 5 योजन विस्तृत है। वह परम पुण्यमय तीर्थ पुण्यात्मा पुरुषों से सेवित है और दर्शन मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। वह अत्यंत दुर्लभ है, देवता लोग भी उसका दर्शन चाहते हैं। वहाँ की आंतरिक लीला का दर्शन करने में देवता लोग तपस्या से भी समर्थ नहीं हो पाते। जो सब ओर की आसक्तियों का त्याग करके वृंदावन के शरण लेते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
जो वृंदावन के नाम का भी उच्चारण करता है, उसकी भी नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रति सदा भक्ति बनी रहती है। पवित्र वृंदावन के नर नारी वानर कृमि कीट पतंग खग मृग वृक्ष और पर्वत भी निरंतर श्री राधा कृष्ण का उच्चारण करते रहते हैं। जो श्री कृष्ण की माया से मोहित है और जिनका चित्त काम रूपी मल से मलिन हो रहा है, ऐसे पुरुषों को स्वप्न में भी वृंदावन का दर्शन दुर्लभ है। जिन पुण्यात्मा पुरुषों ने श्री वृंदावन का दर्शन किया है, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। वे श्री हरि के कृपा पात्र हैं। विधि नंदिनी, बहुत कहने सुनने से क्या लाभ। मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को भव्य एवं पुण्य वृंदावन का सेवन करना चाहिए। सदा वृंदावन का दर्शन करना चाहिए, सदा वहाँ की यात्रा करनी चाहिए तथा सदैव उसका सेवन और ध्यान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर वृंदावन के समान कीर्तिवर्धक स्थान दूसरा कोई नहीं है। प्राचीन कल्प की बात है, वृंदावन में गोवर्धन नाम के एक द्विज ने बड़ी भारी तपस्या की थी। वह समस्त संसार से विरक्त हो गया था। देवताओं के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु अपनी लीला भूमि में उस ब्राह्मण को वर देने के लिए गए। ब्राह्मण ने देखा देव देवेश्वर श्री हरि ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। उनका वक्षस्थल सुंदर कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। माथे पर सुंदर किरीट चमक रहा है। हाथों में कड़े शोभा पाते हैं। पैरों में मधुर रुनझुन करने वाले नुपुर शोभा दे रहे हैं। उनका आगे का पूरा अंग वनमाला से घिर गया है। वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर पर विद्युत कीसी कांति वाला रेशमी पीतांबर प्रकाशित हो रहा है। नाभि और ग्रीवा सुंदर है। कपोल और नासिका सुघर है। दांतों की पंक्ति स्वच्छ है। मुख पर मनोहर मुस्कान की छटा छा रही है। जानू उरु भुजाएं तथा शरीर का मध्य भाग सुंदर है। कृपा के तो वे महासागर है ही, सदा आनंद में डूबे रहते हैं। इनके मुखारविंद से सदा प्रसन्नता बरसती रहती है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर ब्राह्मण सहसा उठ खड़े हुए और पृथ्वी पर दंड की भांति लेटकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान के द्वारा वर मांगने की आज्ञा मिलने पर गोवर्धन ब्राह्मण श्रीहरि से बोले, प्रभु आप मुझे दोनों चरणों से दबाकर मेरी पीठ पर खड़े रहे, यही मेरे लिए वर है। गोवर्धन का यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने बार बार इस पर विचार किया। फिर वे उसकी पीठ पर चढ़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने फिर कहा, देव जगतपते, मेरी पीठ पर खड़े हुए आपको अब मैं उतार नहीं सकता, इसलिए इसी रूप में स्थित हो जाइए। तभी से विश्वात्मा भगवान पर्वत रूपधारी गोवर्धन ब्राह्मण का त्याग न करके प्रतिदिन योगी वन में जाते हैं। कृष्णावतार में भगवान ने गोवर्धन ब्राह्मण को अपने सारूप्य भाव को प्राप्त हुआ जानकर उसे नंद आदि के द्वारा गिरिराज पूजन के व्याज से भोजन कराया। अन्नकूट तथा दुग्ध आदि के द्वारा पर्वत रूपधारी ब्राह्मण को तृप्त करने के पश्चात उसे प्यासा जानकर भगवान ने नूतन मेघों का जल पिलाया। इस कार्य से भगवान वासुदेव का वह मित्र हो गया। देवी, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विभिन्न उपचारों से गोवर्धन पर्वत की पूजा और प्रदक्षिण भाव से परिक्रमा करता है, उसका फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। भगवान के निवास से गोवर्धन पर्वत परम पवित्र हो गया है। सुभगे, तुम ही बताओ, इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं से सुशोभित यमुना का रमणीय पुलिन वृंदावन के सिवा और कहाँ है? इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके दूसरे पवित्र तथा पुण्यदायक वनों नदियों और पर्वतों को छोड़कर मनुष्यों को सदा वृंदावन का सेवन करना चाहिए। जहाँ यमुना जैसी पुण्यदायिनी नदी है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन जैसा पुण्यमय पर्वत है, उस वृंदावन से बढ़कर पावन वन इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? उस वृंदावन में मोर पंख का मुकुट धारण किए, कनेर के फूलों से कानों का श्रृंगार किए, नटवर वेशधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपों गौओं तथा गोपांगनाओं के साथ नित्य विचरण करते हैं। उनकी बंसी की मधुर ध्वनि के सामने हंसी का मधुर कलरव फीका लगता है। वैजयंती माला उनके सारे अंगों को घेरे रहती है।
जहाँ स्वभाव से ही क्रूर जीव जंतु अपना सहज वैर छोड़कर अकारण स्नेह करने वाले सुरुदो की भांति रहते हुए भगवत सुख का ही आश्रय लेते हैं। उस वृंदावन में जाकर जैसे जीव भगवान को पा ले, उस प्रकार भगवत सुख का अनुभव करके जो फिर वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, वह श्री कृष्ण की माया की पिटारी रूप इस जगत में क्या कहीं भी सुखी हो सकता है। वह वृंदावन धाम समस्त वसुधा का पुण्य रूप है। उसका आश्रय लेकर मेरा चित्त इस अज्ञान अंधकार में जगत को नीचे करके स्वयं सदा के लिए सबके ऊपर स्थित है। भगवान गोपीनाथ यहाँ पग पग पर प्रेम से द्रवित चित्त हो नीच ऊंच का विचार नहीं करते, अपने सब भक्तों का उद्धार कर ही देते हैं। जो ब्रज के गोपों, गोपियों, खगों, मृगों, पर्वतों, गौओं, भूभागों तथा धूल कणों का भी दर्शन एवं स्मरण करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके प्रेम पाश में आबद्ध हो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के अंतकरण में अपने प्रति दास्य भाव का उदय करा देते हैं। उन ब्रजराज श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कौन देवता सेवन के योग्य हो सकता है। मोहिनी, यह वृंदावन का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बताया गया है। संसार भय से डरे हुए पापहीन मनुष्यों को सदा इस वृंदावन का ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्र भाव से वृंदावन के महात्म्य का श्रवण करता है, वह भी निस्संदेह साक्षात विष्णु रूप ही है। पुरोहित वसु का भगवत कृपा से वृंदावन वास, देवर्षि नारद के द्वारा शिव सुरभि संवाद के रूप में भावी श्री कृष्ण चरित का वर्णन। पुरोहित वसु कहते हैं, देवी महाभागे, यह जो तीर्थों का उत्तम महात्म्य बताया है, उसे तुम सब तीर्थों में घूमकर प्राप्त करो। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, मोहिनी से ऐसा कहकर उसके पुरोहित वसु उसके द्वारा बारंबार किए हुए सत्कार और पूजा को स्वीकार करके ब्रह्मलोक को चले गए। वहाँ जगत सृष्टा विधाता ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनी का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण वसु का वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, बस तुमने बड़े पुण्य का कार्य किया है, तुमने मुझे मोहिनी का उत्तम वृत्तांत बताया है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वर दूंगा, तुम इच्छानुसार कोई वर मांगो। जगत विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर विप्रवर वसु ने उन्हें प्रणाम करके वृंदावन वास का वर मांगा। मुनीश्वरों, यह सुनकर जगत की सृष्टि करने वाले शरणागत क्लेशहारी ब्रह्मा जी चारों मुखों से मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। वसु का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विधाता को प्रणाम करके वृंदावन को प्रस्थान किया और वहाँ एकाग्र चित्त हो वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ब्राह्मण वसु के 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्याम सुंदर अपने 2-3 प्रिय सखाओं के साथ आकर उन श्रेष्ठ द्विज से बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तब वसु ने उठकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वे बोले, देव, मैं सदा वृंदावन में निवास करना चाहता हूँ। द्विजवरो, तदनंतर श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। फिर वसु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान पुनः अंतर्धान हो गए। तभी से ब्राह्मण वसु इच्छानुसार रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की वृंदावनीय लीलाओं का चिंतन करते हुए वहां सदा निवास करते हैं। एक दिन की बात है, विप्रवर वसु भगवान का चिंतन करते हुए यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वृंदावन में आए हुए हैं। अपने परम गुरु नारद जी को देखकर उन्होंने नमस्कार किया और भगवत भक्ति बढ़ाने वाले नाना प्रकार के धर्म पूछे। उनके इस प्रकार पूछने पर अध्यात्मदर्शी नारद जी ने उनसे भगवान विष्णु के भावी चरित्र के विषय में सब बातें इस प्रकार कही। ब्रह्मन, एक दिन में कैलाशवासी भगवान शंकर का दर्शन करने और वृंदावन के भावी रहस्य के विषय में पूछने के लिए उनके समीप गया था, जिन्होंने अपनी महिमा से समस्त ब्रह्मांड मंडल को व्याप्त कर रखा है। सिद्ध समुदाय से घिरे हुए उन देवेश महेश्वर को प्रणाम करके मैंने अपना कल्याणमय अभिष्ट प्रश्न उनके सामने रखा।
तब महादेव जी मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, ब्रह्म कुमार, तुमने भगवान श्रीहरि के भविष्य चरित्र के विषय में जो बात पूछी है उसे मैं बता रहा हूँ। एक समय मैंने गोलोक में रहने वाली सुरभि का दर्शन किया और गोमाता सुरभि से भविष्य के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न के उत्तर में सुरभि ने श्रीहरि के भविष्य चरित्र के विषय में इस प्रकार कहा, महेश्वर, इस समय राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण इस गोलोक धाम में सुखपूर्वक रहते हैं और गोपों तथा गोपियों को सुख देते हैं। शिव, वे किसी समय भूलोक के भीतर मथुरा मंडल में प्रकट हो वृंदावन में अद्भुत लीला करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा भूभार हरण के लिए प्रार्थना करने पर श्रीहरि भी पृथ्वी पर वासुदेव रूप से प्रकट होंगे। वसुदेव के घर में जन्म लेकर यादव नंदन श्री कृष्ण पीछे कंसासुर के भय से नंद के व्रज में चले जाएंगे। वहां जाकर श्रीहरि अपने निकट आई हुई बालघातिनी पूतना को प्राणहीन कर देंगे। दानव चक्रवात अर्थात तृणावर्त को तथा देव पीड़क महाकाय वसासुर को भी मौत के घाट उतार देंगे। कालिया नाग का दमन करके उसे यमुना से उजाड़ देंगे। दुस्सह धेनुकासुर को मारकर वकासुर और अघासुर के भी प्राण हर लेंगे। दाव प्रदाव तथा प्रलंबासुर का भी वध करेंगे। ब्रह्मा इंद्र वरुण तथा मतवाले कुबेर पुत्रों का भी दर्प चूर्ण करके श्रीहरि वृषासुर का वध करेंगे। तदनंतर मथुरा में जाकर धनुष तोड़कर श्रेष्ठ हाथी कुवलिया पीड़ का वध करेंगे। तत्पश्चात चाणूर आदि मल्लों और अपने मामा कंस को भी श्री कृष्ण मार गिराएंगे। फिर कैद में पड़े हुए माता पिता को मुक्त करके काल यवन को मारकर वे जरासंध के भय से द्वारका में जा बसेंगे। तदनंतर भगवान श्रीहरि क्रमशः रुक्मिणी सत्यभामा सत्या जाम्बवती केके राजकुमारी भद्रा लक्ष्मणा मित्रवृंदा तथा कालिंदी के साथ विवाह करेंगे। फिर भौमासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों का पाणी ग्रहण करेंगे। इसके बाद पौंड्रक शिशुपाल दंतवक्त्र विदुरथ और शाल्व को मारकर बलभद्र रूप से द्विविध बंदर और बलवल का संहार करेंगे। फिर षटपुरवासी दैत्यों के साथ वज्रनाभ सुनाब और वरदान से बढ़े हुए त्रिशरीर दैत्य का वध करेंगे। शिवजी, फिर पृथ्वी का भार उतारने को उत्सुक हो श्री कृष्ण कौरव और पांडव पक्ष के वीरों को परस्पर एक दूसरे को निमित्त बनाकर मार डालेंगे। इसी प्रकार यदुवंशियों को यदुवंशियों से आपस में ही लड़ाकर श्रीहरि अपने कुल का संहार कर डालेंगे और अपने अनुगामी बलराम जी के साथ फिर अपने परम धाम में चले जाएंगे। शंभो, इस प्रकार मैंने श्रीहरि के भविष्य चरित्र का वर्णन किया है। जाओ, अब भूतल पर भगवान अवतार लेंगे, उस समय तुम वह सब कुछ देखोगे। ब्रह्म कुमार नारद, सुरभि का वह वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं पुनः अपने स्थान पर आ गया। वही बात मैंने तुम्हें भी बताई है। समय आने पर तुम भी गोकुलपति श्री कृष्ण के चरित्र का अवलोकन करोगे। वसुजी, त्रिशूलधारी भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मेरा रोम रोम हर्ष से खिल उठा है। मैं वीणा बजाकर भगवान के गुण गाता और उसी में मस्त रहता हुआ इस आतुर जगत को आनंद प्रदान करता रहता हूँ। द्विज श्रेष्ठ, यह भविष्य में होने वाली बात है जो मैंने तुझे बताई है। सुत जी कहते हैं, विप्रवर वसु से ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी वीणा बजाते और यदुनंदन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए वहां से चले गए। ब्राह्मणों, व्रज में नारद जी का यह वचन सुनकर विप्रवर वसु का चित्त प्रसन्न हो गया और वे भावी श्री कृष्ण लीला के दर्शन के लिए उत्सुक हो सदा वृंदावन में रहने लगे। मोहिनी का सब तीर्थों में घूमकर यमुना में प्रवेश पूर्वक दशमी के अंत भाग में स्थित होना तथा नारद पुराण के पाठ एवं श्रवण की महिमा। ऋषि बोले, साधु सुत जी, आपने भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय चरित्र का वर्णन किया और उसे हमने सुना, अतः आपकी कृपा से हम सब कृतार्थ हो गए। वसु के ब्रह्मलोक चले जाने पर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने पीछे कौन कौन सा कार्य किया यह हमें बताने की कृपा करें। सुत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग मोहिनी का शुभ चरित्र सुने।
विप्रवर वसु ने जिस प्रकार उपदेश दिया था उसी के अनुसार विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करने के लिए ब्रह्मपुत्री मोहिनी गंगा जी के तट पर गई। वहां जाकर विधि नंदिनी ने गंगा आदि तीर्थों में स्नान करके सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किया और हर्ष में भरकर उसने वहां के महात्मा ब्राह्मणों का सत्संग किया। पुरोहित वसु ने जिस तीर्थ की जैसी विधि बताई थी उसी प्रकार उसका सेवन करती हुई वह तीर्थों में घूमने लगी। उन तीर्थों में वह विष्णु आदि देवताओं की पूजा करती और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान देती थी। गया में जाकर उसने पति को विधि पूर्वक पिंडदान किया। फिर काशी में विश्वनाथ जी की पूजा करके वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में गई। उस क्षेत्र में जगन्नाथ जी का प्रसाद भोजन करके शुद्ध शरीर हो वहां से लक्ष्मण पर्वत पर गई। वहां विधि पूर्वक लक्ष्मण जी की पूजा करके सेतु तीर्थ में जाकर उसने रामेश्वर शिव का पूजन किया और महेंद्र पर्वत पर जाकर भृगुनंदन परशुराम जी की वंदना की। तत्पश्चात शिव जी के क्षेत्र गोकर्ण में जाकर गोकर्णनाथ भगवान शिव का पूजन किया। ब्राह्मणों तदनंतर उन श्रेष्ठ द्विजों के साथ उसने प्रभास को प्रस्थान किया और वहां स्नान करके देवता आदि का तर्पण करने के पश्चात उस तीर्थ की यात्रा पूरी करके द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उसके बाद वह कुरुक्षेत्र में गई। वहां भी विधि पूर्वक यात्रा संपन्न करके महारानी मोहिनी ने गंगा द्वार को प्रस्थान किया और उस तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्नान दान आदि कार्य किए। तदनंतर कामोदा का दर्शन और नमस्कार करके वह बड़ी प्रसन्नता के साथ बद्रिकाश्रम तीर्थ को गई। वहां नर नारायण ऋषि की पूजा करके उसने बड़ी उतावली के साथ कामाक्षी देवी का दर्शन करने के लिए वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में सिद्धनाथ को प्रणाम करके अर्थात आदि यात्रा पूर्ण करने के पश्चात वहां से अयोध्या आई। वहां सरयू में स्नान करके उसने विधि पूर्वक सीतापति श्री रामचंद्र जी की पूजा की और वहां से मध्य यात्रा प्रारंभ करके वह अमरकंटक पर्वत पर गई। वहां नर्मदा के स्रोत के समीप ओंकारेश्वर महादेव की पूजा सेवा और दर्शन करके मोहिनी ने माहिष्मतीपुरी की यात्रा की। वहां के त्र्यंबकेश्वर का पूजन करके वह त्रिपुष्कर तीर्थ में आई। तीनों पुष्करों में विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दान दे वह सब तीर्थों में उत्तम मथुरापुरी को गई। वहां 20 योजन की आभ्यंतरिक यात्रा संपन्न करके मथुरापुरी की परिक्रमा के पश्चात उसने चार व्यूहों का दर्शन किया। तदनंतर 20 तीर्थों में स्नान करके पुनः प्रदक्षिणा की। वहां मथुरा के ब्राह्मणों को समस्त अलंकारों से अलंकृत 10,000 गौवें दान दी और उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराकर भक्ति विवल चित्त से नमस्कार करने के पश्चात विदा किया। फिर यमुना के तट पर जा बैठी। तदनंतर मोहिनी पापनाशिनी यमुना देवी के जल में समा गई और फिर आज तक नहीं निकली। उसने दशमी तिथि के अंतिम भाग में अपना आसन जमा लिया। यदि सूर्योदय काल में एकादशी का दशमी से वेद हो तो स्मृति के अनुसार चलने वाले गृहस्थों के पास पहुंचकर मोहिनी उनके व्रत को दूषित कर देती है। इसी प्रकार अरुणोदय काल में दशमी वेद होने पर वह वैदिकों के और निशित काल में दशमी से वेद होने पर वैष्णवों के निकट पहुंचकर वह उनके व्रत को दूषित करती है। अतः ब्राह्मणों जो मनुष्य मोहिनी के वेद से रहित एकादशी को उपवास करके द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है वह निश्चय ही वैकुंठ धाम में जाता है। विप्रवरो इस प्रकार मैंने मोहिनी का चरित्र सुनाया है। नारद महापुराण का यह उत्तर भाग भोग तथा मोक्ष देने वाला है यह मैंने तुम्हें सुनाया है। इसमें पद पद पर मनुष्यों के लिए भगवान श्रीहरि की भक्ति का साधन होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। सभी पुराणों का यह सनातन बीज है। द्विजवरों इस पुराण में परम बुद्धिमान पराशर नंदन व्यास जी ने प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नारदीय पुराण अलौकिक चरित्र से भरा हुआ है। व्यास जी ने मुझसे कहा था कि जिस किसी व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। पूर्व काल में महाभाग सनकादि मुनियों ने विद्वान नारद जी के समक्ष यह पुराण संहिता प्रकाशित की थी। हंस स्वरूपी भगवान श्री हरि ने जब शाश्वत ब्रह्म का उपदेश किया था उसी समय उन्होंने इन सनकादि को इस विस्तृत विज्ञान से युक्त नारद पुराण का भी उपदेश कर दिया था।
वही यह नारद महापुराण है, जिसे अध्यात्मदर्शी साक्षात भगवान नारद ने मुनिवर वेद व्यास को रहस्य सहित सुनाया था। अब मैंने इस रहस्यमय पुराण को आप लोगों के समक्ष प्रकाशित किया है। पृथ्वी पर यह परम दुर्लभ है। जो मनुष्य सदा इसका श्रवण एवं पाठ करते हैं, उनके लिए यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इसके पाठ अथवा श्रवण से ब्राह्मण वेदों का भंडार होता है। क्षत्रिय इस भूतल पर विजय पाता है, वैश्य धनधान्य से संपन्न होता है तथा शूद्र सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस संहिता का संपादन किया है। इसके सुनने पर सब प्रकार के संदेहों का निवारण हो जाता है। यह सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम पुरुषों को भी मोक्ष देने वाला है। ब्राह्मणों, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, मथुरा, द्वारका, नर नारायण आश्रम, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों में जाकर जो मनुष्य हविष्यान्न भोजन और भूमि शयन करते हुए अनासक्त और जितेंद्रिय भाव से इस संहिता का पाठ करता है, वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। जैसे व्रतों में एकादशी, नदियों में गंगा, वनों में वृंदावन, क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र, पुरियों में काशीपुरी, तीर्थों में मथुरा तथा सरोवरों में पुष्कर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में यह नारद पुराण श्रेष्ठ है। गणेश जी के भक्त, सूर्य देवता के उपासक, विष्णु भक्त, शक्ति के उपासक तथा शिव भक्त और सकाम अथवा निष्काम, ये सभी इस पुराण के अधिकारी है। स्त्री हो या पुरुष, वह जिस जिस कामना का चिंतन करते हुए आदर पूर्वक इस पुराण को सुनता या सुनाता है, वह उस कामना को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। नारदीय पुराण के अनुशीलन से रोग से पीड़ित मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। भयातुर मनुष्य निर्भय होता है और विजय की इच्छा वाला मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। जो सृष्टि के प्रारंभ में रजोगुण द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं, मध्य में सत्वगुण द्वारा इसका पालन करते हैं और अंत में तमोगुण द्वारा इस जगत को ग्रस लेते हैं, उन सर्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जिन्होंने ऋषि, मनु, सिद्ध, लोकपाल एवं ब्रह्मा आदि प्रजापतियों की रचना की है, उन ब्रह्मात्मा को नमस्कार है। जहाँ से वाणी निवृत्त हो जाती है और जहाँ तक मन नहीं पहुँच पाता, वही रूप रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। जिनकी सत्यता से यह जगत सत्य सा प्रतीत होता है, जो निर्गुण तथा अज्ञान अंधकार से परे है, उन विचित्र रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा परमात्मा आदि मध्य और अंत में भी एक एवं अविनाशी होते हुए भी नाना रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, उन निरंजन भगवान की मैं वंदना करता हूँ। जिन निरंजन परमात्मा से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह स्थित है और जिनमें ही इसका लय होता है, वही सत्य तथा अद्वैत ज्ञान है। इन्हीं को शिवोपासक शिव कहते हैं और सांख्यवेत्ता विद्वान प्रधान कहते हैं। ब्राह्मणों, योगी जिन्हें पुरुष कहते हैं, मीमांसक लोग कर्म मानकर जिनकी उपासना करते हैं, वैशेषिक मतावलंबी जिन्हें विभू और शक्ति का चिंतन करने वाले, जिन्हें चिन्मयी आद्याशक्ति कहते हैं, नाना प्रकार के रूप और क्रियाओं के चरम आश्रय उन अद्वितीय ब्रह्मा की मैं वंदना करता हूँ। भगवान की भक्ति मनुष्यों को भगवत स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली है। उसे पाकर पशु के सिवा दूसरा कौन होगा जो अन्य किसी लाभ की इच्छा करता हो। ब्राह्मणों, जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त होते हैं, उन्हें सत्संग के सिवा और किसी उपाय से इस भवरूपी गहन वन से छुटकारा नहीं मिलता। विप्रवरो, साधु पुरुष उत्तम आचार वाले, सर्वलोक हितैषी तथा दीन जनों पर कृपा रखने वाले होते हैं। वे अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर देते हैं। मुनियों, संसार में आप लोग साधु पुरुषों के द्वारा सम्मान पाने योग्य और परम धन्य हैं, क्योंकि आप भगवान वासुदेव की नूतन पल्लवों से युक्त कार्तिलता का बारंबार सेवन करते हैं। आप लोगों ने समस्त कारणों के भी कारण तथा जगत का मंगल करने वाले साक्षात भगवान श्री हरि का मुझे स्मरण दिलाया है, इसलिए मैं भी धन्य और अनुग्रहित हुआ हूँ। उत्तर भाग संपूर्ण, श्री नारद महापुराण समाप्त।